हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपके बीच हाजिर हुए हैं एक नए ब्लॉग के साथ। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बरेली का एक पार्क दिखाएंगे जिसका नाम है अक्षर विहार पार्क। दोस्तों, बहुत ही ब्यूटीफुल ये पार्क है। और ये क्यों है इतना बढ़िया, क्योंकि इसमें जो गार्डनिंग की गई है ना, वो बहुत ही बेहतरीन तरीके से की गई है। बच्चों के खेलने के लिए झूले भी बनाए गए हैं और इस पार्क को लगभग 20 साल के बाद दोबारा से रीओपन किया गया है। और क्योंकि एक इंसिडेंट हो गया था, इस वजह से ये बंद था, तो इसे दोबारा से रीओपन किया गया है। और आज मैं आपको इस गार्डन का व्यू दिखाऊंगा। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। और हमारे चैनल को, जिसका नाम है MK बरेली ब्लॉग्स, इसको सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा दोस्तों, ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम आपको वो एरिया दिखाते हैं जहाँ पर बच्चों के खेलने के लिए झूले लगाए गए हैं। बच्चे देखिए किस तरीके से यहाँ पर इंजॉयमेंट कर रहे हैं। देख सकते हैं आप किस तरीके से बेहतरीन गार्डनिंग करी गई है यहाँ की। ये आप तालाब के व्यू देख सकते हैं पूरा। तो चलिए दोस्तों, आपको हम गार्डन का दूसरा एरिया दिखाते हैं। दोस्तों, गार्डनिंग जो की गई है ना यहाँ पे, बहुत ही कमाल की गई है। लोग यहाँ पे घूमने आते हैं, आप भी अपनी फैमिली के साथ, अपने दोस्तों के साथ यहाँ पे घूमने आ सकते हैं। दोस्तों, इस पार्क को जो लगभग खुले हुए 2 से 2.5 साल हो चुके हैं, उससे पहले ये बंद पड़ा हुआ था। जैसा कि मैंने आपको बताया, इसको लगभग 20 से 22 साल के बाद खोला गया है। तो अब पहले तो यहाँ पे कुछ भी नहीं था, लेकिन अब इस गार्डन को जो है, वो जो पार्क है, उसको बहुत ही बढ़िया तरीके से बना दिया गया है। लोगों के घूमने के लिए, लोगों के यहाँ पे खाना खाने के लिए, हर चीज़ का इंतज़ाम यहाँ पे किया गया है। और यहाँ पे आना फ्री ऑफ कॉस्ट है। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि एक बार आप यहाँ पर आएँ और यहाँ का इंजॉयमेंट लें अपनी फैमिली के साथ, अपने बच्चों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ। चलिए दोस्तों, इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं और आपको आगे कुछ व्यू दिखाते हैं इस गार्डन का। ये देख सकते हैं आप, ये तालाब है, लेकिन इसमें जाने की एंट्री नहीं है किसी को भी। इसको जो बंद करने का रीज़न है, जो बंद किया गया था इसे लगभग 20 साल पहले, उसका रीज़न भी ये तालाब ही था। क्योंकि बताया जाता है कि यहाँ पर किसी एक पर्सन का या बच्चे का, किसी का यहाँ पर वो डूब गया था, इस वजह से ये बंद था। देख सकते हैं यहाँ पे ये खाने का इंतजाम किया गया है। कुछ भी नहीं था पहले यहाँ पे, ये सब नया बनाया गया है। यहाँ पे लोग बैठ के अपना खाना वाना खा सकते हैं।
आगे से ये देखिए दोस्तों, आपके लिए स्कूटर भी यहाँ पे रखा गया है ताकि आप यहाँ पे चला सकें। मजाक कर रहा हूँ भाई, ये खाली डमी है। दोस्तों बतख भी देख सकते हैं आप यहाँ पे। क्या बेहतरीन नज़ारा आ रहा है दोस्तों यहाँ से। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा ये ब्लॉग बहुत पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए गुड बाय।